हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रुपिंदर सियाल एंड वेलकम टू स्पार्टन ट्यूटोरियल्स। सो जैसे कि हमने काफ़ी जो अपने फेसबुक ग्रुप्स में रिक्वेस्ट देखी है, तो देर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड कमिंग फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स कि कौन से रेफरेंस मटेरियल्स, कौन से रीडिंग मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के लिए, राइट? तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, काफ़ी लोगों के डिफरेंट विचार हैं इसके बारे में। मैं सिर्फ अपने विचार दे रहा हूँ। मैंने CSIR नेट क्वालिफाई किया है अपने टाइम पे, लेकिन क्वालिफाई किया है। मैंने स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है जिन्होंने CSIR नेट क्वालिफाई किया है, और जो मेरे को ठीक लगता है कि रेफरेंस मटेरियल्स अच्छे हैं और जिससे आपको सक्सेस गारंटीड हो सकती है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट? देर कुड बी डिफरेंट ओपिनियन, लोगों के डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी एडवाइस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके? तो जो 13 यूनिट्स हैं CSIR नेट के, राइट, और 14th यूनिट बेसिकली आपका जो सेक्शन ए है, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, उन सभी की एक जो डिफरेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज, राइट? तो इसमें से मैं आपको दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगा जो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, और उनको सॉल्व करने के दो आसान से तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे को पता है कि सभी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो हाई हाईली प्राइज्ड महंगी इंटरनेशनल बुक्स खरीद सकें, और मेरे को ये भी पता है कि सभी के पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि आपके कोर्सेज भी चल रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी मैं दो एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा। एक तो जो आपके कोर टॉपिक्स हैं, आपके जो MSc के टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स हैं जो आपने एड्रेस करने हैं, जो आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, उनकी स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर खरीदिए। चाहे आप उसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दूंगा आज, जो फ्री PDF बुक्स हैं, राइट, नॉट पायरेटेड बट एक्चुअली दे आर फ्री। और दूसरा, नोट्स अपने बनाइए। आप देखेंगे कई लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम नोट्स बना के दे देंगे आपको, आप ले लीजिए उनको। मेरी एडवाइस ये है, हर एक का अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है, आप उनसे दूर रहिए। मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाइए, वो आपकी भाषा में आपको समझ आने चाहिए। आपने जो अंडरस्टैंड किया है, दूसरों ने क्या अंडरस्टैंड किया है, मैंने फॉर एग्जांपल अगर आपको नोट्स बना के दे दिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी के या इकोलॉजी के किसी के भी, आपके काम नहीं आने वाले हैं वो। और यही हम देख रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को 5-5, 6-6 बार नेट दे रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो कुछ तो खराबी है ना उनकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में, राइट? तो ज़्यादा मैम डीप में ना जाते हुए हम स्ट्रेटेजी की एक और वीडियो बनाएंगे कि कैसे अपना टाइम मैनेज करें, कैसे रिवाइज करें, कैसे मॉक टेस्ट दें। लेकिन अभी हम ये शुरू करते हैं कि जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनकी कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ओके? सो यूनिट 1, राइट, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन टू बायोलॉजी, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो मेन, जो काफ़ी बेसिक लेवल टेक्स्ट बुक है वो है लेनिंजर, वो आप ले सकते हैं मार्केट में। उसकी जो स्टूडेंट फ्रेंडली एडिशन, इंटरनेशनल एडिशन है, वो 800 से लेके 1000 रुपए में आपको मिल जाता है। दूसरी अच्छी बुक जो है वो है हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री, वो काफ़ी अच्छी है, उसमें मेडिकल एस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे बताए हुए हैं। वो एक्चुअली MBBS के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है, तो हार्पर्स इज़ अ वेरी गुड बुक। थर्ड बुक जो है वो है वॉयट एंड वॉयट, दैट इज़ अ लिटिल बिट एडवांस्ड बुक, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, राइट? आप उसमें उसको मेन टेक्स्ट बुक मत बनाइए अपने लिए, राइट? और वैसे भी ओवरऑल जो मैं बुक्स को आपको बता रहा हूँ, उनको आप ये मत समझिए कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना है और पूरा का पूरा याद करना है। आपको उनको रेफर करना है और उसमें से नोट्स बनाने हैं, राइट? तो ये मत समझिए कि आपने पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वो याद कर लेना है, राइट, अपने दिमाग में डाल लेना है, ऐसी बात नहीं है। आपको कंसेप्ट समझने हैं, आपको अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको सवाल सॉल्व करने आने चाहिए एग्जाम में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और जो एक फ्री टेक्स्ट बुक है वो है केविन अहर्न की बायोकेमिस्ट्री फ्री एंड ईजी। इट इज़ अ फ्री टेक्स्ट बुक, एक्चुअली अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। तो अगर आपके पास ये वाली टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं और आपके पास एक लैपटॉप है तो आप उस पर ये पढ़ सकते हैं, ओके? सो दीज आर दी मेन टेक्स्ट बुक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री, ओके? ऑलराइट, यूनिट 2, बेसिकली सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो हमारी बाइबल मानी जाती है, जो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय ब्रूस एल्बर्ट्स एंड अदर ऑथर्स, राइट? ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक है, थोड़ी सी महंगी है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक।
आपको ये पीएचडी में भी काम आएगी या अगर आप टीचिंग करियर में जा रहे हैं वहां पे भी काम आएगी। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बुक, आपको सेल बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा बेसिकली अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे। और ये कई जो टॉपिक्स हैं यूनिट 4 में जो है उसको भी एड्रेस करती है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो एक एक्चुअली एक वेरी गुड बुक है, वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हाउ वी नो एंड व्हाट डू वी नो। दैट इज़ अ फ्री बुक, राइट? सो आई विल गिव यू द लिंक, इट्स अ फ्री PDF, यू कैन गो थ्रू इट। वेरी वेरी गुड बुक ऑन बेसिक्स ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सारे टॉपिक्स हैं इसमें, सिग्नलिंग पाथवेज, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, सभी कुछ हैं इसमें। ओके, सो दीज आर द टू गुड बुक्स दैट आई रिकमेंड फॉर सेल बायोलॉजी यूनिट 2। ओके, कमिंग टू यूनिट 3, बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जो दो अच्छी बुक्स हैं, एक तो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन बाय जिम वॉटसन एंड कॉलीग्स, राइट? इट्स प्रिटी चीप, आई थिंक 600-700 में आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। और दूसरी है लेवीन, बेंजामिन लेवीन की जीन्स 11। सो बेंजामिन लेवीन इज नो लॉन्गर द ऑदर ऑफ दीज बुक्स, अदर ऑदर्स जो हैं वो इसको लिख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है। इस बार का जो नेट आया था उसमें से कई क्वेश्चंस डायरेक्ट लेवीन में से पूछे गए हैं। वेरी वेरी गुड बुक लेवीन, जीन्स 11 ले सकते हैं आप। 12 जो है वो लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन वो काफ़ी महंगा है, 5-6 हज़ार के करीब है, तो डोंट गो फॉर दैट। बट लेवीन जीन्स 11, जीन्स 10, इवन 9 तक भी अच्छे हैं, राइट? दे आर प्रिटी रीसेंट, सो आई वुड रिकमेंड लेवीन जीन्स बुक। ऑलराइट, यूनिट 4, सो दिस इज यू नो अ मिक्सचर ऑफ यूनिट, मिक्सचर यूनिट कंबाइनिंग सिग्नलिंग, कैंसर, इम्यूनोलॉजी। तो सिग्नलिंग वगैरह के लिए तो एल्बर्ट्स आपके काम आ जाएगी। मैनी कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग आर प्रेजेंटेड वेरी वेल इन एल्बर्ट्स। CMB की जो बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट वी नो एंड हाउ डू वी नो, वो भी इसमें काम आ जाएगी आपके। इम्यूनोलॉजी के लिए QB है वो, दैट इज अ वेरी गुड बुक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी वेल रिटन, बहुत अच्छी तरह लिखी गई है, बहुत अच्छी बुक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? और इसमें से अगर आपको कुछ फॉर एग्जाम्पल चैप्टर्स अच्छे लगे, यू कैन गेट दम जेरोक्स्ड, राइट? मैनी पीपल एक्चुअली गेट दम जेरोक्स्ड, इट्स एन ओपन सीक्रेट, तो आप जेरोक्स करवा सकते हैं इसको। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इसको ले सकते हैं तो ट्राई कीजिए, अगर आप इसको खरीद सकें। वेरी गुड बुक। और माइक्रोबायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन वगैरह के लिए कुछ चैप्टर्स ब्रॉक में या प्रेस्कॉट्स माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ब्रॉक इज अ वेरी गुड बुक, ये आपको 1100-1200 के अराउंड मिल जाएगी। आई वुड नॉट रिकमेंड अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी के नहीं हैं तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा आने वाला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ब्रॉक या फिर टोटोरा की बुक है या फिर प्रेस्कॉट की बुक है। सो ऑल दी लिंक्स आई विल प्रोवाइड, और आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे सभी के जो थंबनेल्स हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, सो यू कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज देम एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक्स, ओके, टू बाय देम। ओके, ऑलराइट, कमिंग टू यूनिट 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए जो मेन टू बुक्स हैं वो है, एक तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय गिलबर्ट, स्कॉट गिलबर्ट, वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बट इट इज़ रियली रियली एक्सपेंसिव। तो एक इसका जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो ये है कि आप NCBI बुक शेल्फ पे इसको ब्राउज कर सकते हैं फॉर फ्री, राइट? इसका 6th एडिशन है वो, लेकिन काफ़ी रेलिवेंट है, इसमें से मोस्टली आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो जो CSIR नेट में आते हैं। और एक रिलेटिवली चीप बुक है बट इट्स अ वेरी वेल रिटन बुक और काफ़ी समराइज्ड बुक है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बाय लुइस वोल्पर्ट। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, और इसका जो आई थिंक 5th एडिशन है या 2nd एडिशन है, इट्स अ वेरी गुड बुक, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप जो मेन टॉपिक्स हैं इसके, उनको आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, यू कैन इवन फाइंड लेक्चर्स ऑनलाइन, और वो भी आपको मेन जो जैसे ड्रोसोफिला बॉडी प्लान है या सी एलिगेंस वल्वा डेवलपमेंट है या होम्योटिक जीन्स हैं या टेरेटोजेंस हैं, प्लांट डेवलपमेंट है, ये सारे टॉपिक्स एक्चुअली आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। ओके, सो डोंट गो फॉर द बिग गिलबर्ट बुक इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, और यू कैन कंसल्ट योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरी फॉर गिलबर्ट। ओके, इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव बुक, आई थिंक द इंटरनेशनल वर्जन इज 5,000 रुपीज एंड द हार्ड बैक वर्जन इज वो है मेरे ख्याल 8,000 रुपये के अराउंड है, तो काफ़ी महंगी बुक है। ओके, कमिंग टू यूनिट 6, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके लिए जो मेन टेक्स्ट बुक मानी जाती है वो है टाइज एंड जीगर की प्लांट फिजियोलॉजी। अभी ये 6th एडिशन में है प्लांट फिजियोलॉजी, अब इसका नया नाम चेंज होकर प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट पे हो गया है इसका नाम। बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल्ड है, और CSIR का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है, कवर उससे ज़्यादा ही है।
अगर आपको थोड़ी सी और थोड़ी सी ऑल्टरनेटिव बुक चाहिए तो वो है डेवलिन की बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक. सो दीज आर प्रिटी, टू प्रिटी गुड बुक्स फॉर प्लांट फिजियोलॉजी. सैलिसबरी एंड रॉस भी एक अच्छी बुक है, लेकिन वो काफ़ी आउटडेटेड है इन माई ओपिनियन. तो अगर आपको मॉलिक्यूलर डिटेल्स चाहिए, जैसे आजकल पूछे जाते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, सिग्नलिंग पाथवेज वगैरह, तो सैलिसबरी एंड रॉस में काफ़ी कम है उसका बताया हुआ, तो आई वुड अवॉइड दैट, राइट? ऑल्दो इट इज ए क्लासिक बुक. ओके, कमिंग टू यूनिट 7, ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो इसकी भी काफ़ी जो है डिटेल्ड बुक्स अवेलेबल हैं. इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसमें काफ़ी ये डरावना ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोई पैटर्न नहीं है क्वेश्चन का, तो इट्स अ प्रिटी टफ यूनिट टू क्रैक. बट एनीवेज, जिनका ये सब्जेक्ट है तो उसके लिए, उनके लिए तो अच्छा होगा और डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इसमें जो दो बुक्स हैं, एक है वेंडर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी और दूसरी है गायटन एंड हॉल ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों. रफली आई थिंक 1100 में गायटन एंड हॉल आपको मिल जाती है अमेजोन पे. सो इफ यू वॉन्ट, यू कैन डेफिनेटली बाय दैट. ऑलराइट, यूनिट 9, बायोडाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी. इसमें काफ़ी बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स ने बहुत अच्छी पब्लिश की हैं. फॉर एग्जांपल, आरएल कोटपाल की बुक इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों की बहुत अच्छी बुक्स हैं फॉर टैक्सोनॉमी. प्लांट टैक्सोनॉमी की काफ़ी अच्छी बुक्स हैं बाय गुरचरण सिंह, फॉर एग्जांपल, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक इफ़ यू आर इनटू टैक्सोनॉमी. तो जिनका ये टैक्सोनॉमी, चाहे बॉटनी है चाहे जूलॉजी है, उनको मेजर है, उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, उनको ये बुक्स ऑलरेडी पता होंगी. और ओवरऑल नॉमेनक्लेचर के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक जूलॉजी बाय अर्नस्ट मेयर, इट्स अ प्रिटी चीप बुक, 200 रुपए की बुक है, तो वो बहुत अच्छी बुक है इसके लिए. ओके, और पैरासिटोलॉजी जो है वो भी इसमें पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी में, तो वो अगर आप उसमें डीप जाना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो KD चैटर्जी की बुक है पैरासिटोलॉजी की. आई थिंक इट्स लाइक 450 to 500 रुपीज, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है इसके बारे में. ओके, ऑलराइट, यूनिट 8, वन ऑफ माय फेवरेट्स, जेनेटिक्स. इसकी भी एक्चुअली इंडिया में काफ़ी अफोर्डेबल बुक्स अवेलेबल हैं. एक तो है आई जेनेटिक्स बाय पीटर रसल, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, वेरी वेल रिटन. इसमें क्लासिकल जेनेटिक्स एज वेल एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है. और दूसरी है जेनेटिक्स बाय क्लग एंड कमिंग्स, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, अगेन क्लासिकल क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दोनों अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए हैं और काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं, पेडिग्री एनालिसिस के, मेंडेलियन रेशियोज के, जेनेटिक क्रॉसेस के, जेनेटिक मैपिंग के. तो बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों ही, अराउंड 600 to 700 बुक रुपीज़ की ये बुक है. तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, बोथ आर वेरी गुड बुक्स. ओके, यूनिट 10 इज़ इकोलॉजी, और इकोलॉजी में पीटर स्टिलिंग की बुक है. ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है इकोलॉजी के लिए, तो लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जो आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी वेल, जिसे को कह सकते हैं वेल रिटन है, काफ़ी रीडेबल है, बहुत अच्छी बुक लिखी गई है. वो है स्मिथ एंड स्मिथ, कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी. ये आपको आई थिंक 700-800 में मिल जाएगी अमेजोन पे. सो इट्स अ वेरी गुड बुक इफ़ यू आर इनटू इकोलॉजी एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर दैट एज वन ऑफ द मेन यूनिट्स फॉर CSIR नेट. ओके, कमिंग टू यूनिट 11, विच इज़ एवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर. इसमें आई डोंट हैव एनी यू नो चीपर ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन एनीवेज आई विल टेल यू दी एक्सपेंसिव ऑप्शंस. आप इसको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में या किसी फ्रेंड से कंसल्ट करके देख सकते हैं. जो मेन बुक है एवोल्यूशन की है, वो है डगलस फ्यूटुयामा की एवोल्यूशन. तो अभी ये फोर्थ एडिशन में जा रही है, लेकिन इवन आप अगर सेकेंड एडिशन भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि यू कैन गेट दी मेन प्रिंसिपल्स. प्रटी यूजफुल बुक, वेरी वेरी यूजफुल इफ़ यू आर इन टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. एवोल्यूशन एक बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत यू नो इंटरेस्टिंग है. उसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं CSIR नेट में. एक और बुक है बाय कार्ल बर्गस्ट्रॉम, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो आई वोंट रिकमेंड दैट, ऑल्दो इट इज़ अ प्रटी गुड बुक. और एनिमल बिहेवियर पे डॉक्टर VK अग्रवाल की बुक है, इट्स प्रटी चीप, पब्लिश्ड बाय एस चांद. सो गोज़ वेरी डीप इन टू एनिमल बिहेवियर और इसके क्वेश्चन CSIR नेट में भी काफ़ी आते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड बुक टू रेफर टू. ओके, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे एक वीर बाला रस्तोगी की बुक आती हैं, वो भी आई थिंक काफ़ी अच्छी है, ऑल्दो इट इज़ अ लिटिल बिट टू द डिस्क्रिप्टिव साइड, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है ये बुक, तो काफ़ी इसमें से आपको यू नो नोट्स बनाने थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं. और इतना आई थिंक इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन का थोड़ा मेरे को इशू लगता है, बट आई थिंक दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस. As long as you clear the exam, it does not matter, and it's a very affordable book. So, Organic Evolution by Veer Bala Rastogi is also a very good book.
Alright, coming to unit 12, applications of biology. तो इसमें mostly जो materials हैं आप usually internet से search करिए क्योंकि ये काफ़ी current topics हैं, लेकिन फिर भी BD Singh की plant breeding is a very good book for referring to plant breeding methods, plant tissue culture methods. Molecular biotechnology by Glick and Pasternak is a very good book for this. Any other book? I think T.A. Brown की book काफ़ी अच्छी है इसमें genome analysis वगैरह के लिए. Okay, so these are two pretty good books for applications of biology. Okay, now we come to the big unit, unit 13, techniques of biology. इसमें काफ़ी books हैं और काफ़ी material है और काफ़ी diverse types of techniques हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये काफ़ी scoring है और ये analysis और analytical thinking develop करने के लिए बहुत important है. तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़िए इस unit को. Make sure that you pay very close attention to all the different techniques. तो इसमें जो मेन बुक्स हैं, एक तो है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय विल्सन एंड वॉकर. वेरी गुड बुक, आई थिंक 700 to 800 में आपको मिल जाएगी. इट्स अ कंप्लीट कलर बुक एंड वेरी गुड बुक टू रेफर टू. बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है इसमें मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स. दूसरी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन बाय प्रिमरोज के प्रिमरोज एंड ट्राईमैन. एक्चुअली वेरी गुड बुक, आई थिंक इट्स इन द 7th or 8th एडिशन, सो यू कैन रेफर टू दैट. इट शुड बी अवेलेबल इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी. एंड टी ए ब्राउन जेनेटिक एनालिसिस एंड जीन मैनिपुलेशन. सो दोज आर, एक जीनोम्स है इनकी बुक और दूसरी जीन एनालिसिस की बुक है. दोनों के मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन टेक ए लुक. तो बहुत अच्छी बुक्स हैं. टी ए ब्राउन की बुक्स काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्लाज्मिड आइसोलेशन, सीडीएनए लाइब्रेरी स्क्रीनिंग, फॉर एग्जांपल एमआरएनए से हम आरटीपीसीआर कैसे करते हैं एंड सीडीएनए लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं. ऑल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो काफ़ी करंट बुक है ये, सो प्लीज़ रेफर टू दैट. अदर टेक्निक्स आई थिंक यू कैन गेट फ्रॉम अदर बुक्स. फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट्स वगैरह में आपको पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग और एनिमल बिहेवियर में आपको फॉर एग्जाम्पल जो टैगिंग वगैरह की टेक्निक्स हैं वो इसमें बता दी जाती हैं. और फाइनली बायोस्टेटिस्टिक्स के लिए एंटोनी सैमी की बुक काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अफोर्डेबल है. ऑल दो देर आर अदर बुक्स ऑल्सो, बट आई थिंक इट्स अ प्रेटी कंसाइज बुक. काफ़ी छोटी सी बुक है और इसमें जो एपिडीमियोलॉजी और बायोस्टेटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी अच्छी तरह समझाए गए हैं. So these are the books for the 13 core units for CSIR NET. And finally coming to the section A, which is the quantitative aptitude. So इसमें जो मैं आपको recommend करूँगा book वो थोड़ी सी bulky है, लेकिन I think you can get a lot of practice. You don't need to do a lot of practice during the week for the section A. तो आप during the week आप इसको साइड पे रख सकते हैं, लेकिन संडे में आप इनको जरूर ट्राई कीजिए. दीज आर वेरी गुड पजल्स, दीज आर वेरी गुड लॉजिकल क्वेश्चन. तो आई थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल. अगर आप नॉर्मली भी जाएंगे तो आप सेक्शन ए में आई थिंक 10-12 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन अगर आप इन बुक्स का सहारा लेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट ऑल द 15 दैट यू रिक्वायर टू. तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है इनमें, एक तो है इनकी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरी आती है लॉजिकल रीजनिंग की. आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास कम टाइम है तो कुछ सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही ट्राई कीजिए, दैट इज गुड इनफ. लॉजिकल रीजनिंग आई थिंक यू कैन मैनेज ऑन योर ओन. इफ यू वॉन्ट यू कैन एक्चुअली लुक एट मैनी इंटरनेट वेबसाइट्स, दे हैव लॉट ऑफ गुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज माई कंप्लीट आई थिंक सेट ऑफ बुक्स टू रेफर टू फॉर सी एस आई आर नेट लाइफ साइंसेज. आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें से जो आपने 5, 6 or 7 यूनिट्स जो मेन टारगेट करने हैं उनकी बुक्स को या तो आप अपने पास रखिए या उनमें से कुछ जो आप खरीद सकते हैं जरूर खरीदिए. दे विल बी विद यू आई थिंक फॉर मेनी ईयर्स और आपको पीएचडी में भी काम आएंगी, आपको टीचिंग में भी काम आएंगी और आई थिंक आपका सक्सेस रेट काफ़ी इंक्रीज होगा. आई थिंक सो, आई थिंक यू विल बी गारंटीड सक्सेस इफ यू कैन मास्टर फॉर एग्जाम्पल लेनिंजर और वॉइट एंड वॉइट और Albert's or QB, you will get a mastery of these concepts. These books are written by experts और वो बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं different concepts को. तो I would recommend कि आप इनको ज़रूर follow कीजिए. Okay, and try to buy them and try to purchase them, right? And make your own notes.
फ्रॉम देम. ओके, नोट्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए. ओके, इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस प्लीज लेट मी नो. आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर बेटर बुक्स टू हेल्प माई स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस. तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा बुरा, मेरे को जरूर फीडबैक दीजिए. अगर अच्छा लगा तो इसको एक थम्स अप जरूर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ओके, अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ. टिल देन टेक केयर. ओके, बाय बाय.